हेलो एवरीवन आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स का केस है और उसका नाम है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ये जो केस है ये थ्रू पिटिशन आया था पीआईएल पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू आया था और इसमें सीनियर एडवोकेट जो है इंदिरा जयसिंह इन्होंने एक रिट पिटीशन जो है मैंनेडमेंस के थ्रू यहाँ पे इसको फाइल की थी और इन इनकी जो इसमें रिट में जो इनकी पिटिशन में डिमांड थी वो ये थी कि जो डेजिग्नेशन है जो सीनियर एडवोकेट में सीनियर वर्ड जो यूज़ किया गया है इसको जो डिजिग्नेशन है वो क्या है वो आर्बिट्रेरी है और वो वॉयलेट कर रही है आर्टिकल फोटीन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन को और इसे जो है वो पूरी तरह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशन वॉय डिक्लेयर किया जाए तो इसी पिटिशन के बिहाफ पे जो हम यहाँ पे इशू देखेंगे लीगल इशू जो सामने आता है वो यही आता है कि वे द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटिंग अ लॉयर एज अ सीनियर एडवोकेट इज आर्बिट्रेरी नॉन ट्रांसपेरेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी तो क्या ये जो सीनियर एडवोकेट में सीनियर वर्ड है ये क्या डेजिग्नेटिंग है ये आर्बिट्रेरी नॉन ट्रांसपेरेंट है तो इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पे बेंच मेंशन नहीं है बट आप यहाँ पे जिन्होंने इस केस को देखा था उन बेंच में जो जजेस थे जस्टिस रंजन गोगोई आर एफ नरिमन एंड नवीन सिन्हा आप इन नाम को मेंशन कीजिएगा और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने इस पूरे मैटर को देखा और इस पूरे मैटर को देखने के साथ यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की कि किसी एडवोकेट के आगे जो सीनियर वर्ड जो लगाया जाएगा सीनियर एडवोकेट इसको मतलब कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जो इसको देखी जाएंगी और किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाएगा तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे आ, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो आइए उन गाइडलाइंस को देखते हैं तो सबसे पहला तो ये था कि एक जो परमानेंट कमेटी है वो एक कमेटी जो है वो बनेगी उस कमेटी को यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ ऑफ सीनियर एडवोकेट तो यहाँ पे जो सभी मैटर हैं और मैटर रिलेटिंग टू डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट इन सभी मैटर को एक परमानेंट कमेटी डिसाइड करेगी उसको देखेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनके एडवोकेट के रिगार्डिंग जो सीनियर एडवोकेट वोड्यूस किया जाता है इनको देखेगी तो सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट कमेटी उसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे कि परमानेंट कमेटी को हेड कौन करेगा तो इस परमानेंट कमेटी को यहाँ पर जो हैड करेंगे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये यहाँ पे हेड करेंगे और इसके साथ यहाँ पे जो है वो टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और उसके साथ ही यहाँ पे हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे मैटर जो है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट का है और इसके साथ यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे अगेन जिस तरह से अगर मैटर हाई कोर्ट का है तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे और इसके साथ यहाँ पे जो पूरा मैटर है इसमें परमानेंट कमेटी के ये जो मेंबर्स होंगे ये सभी देखेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो फोर मेंबर्स हैं ये परमानेंट कमेटी के ये किसी अनिदर मेंबर को क्या कर सकते हैं नॉमिनेट कर सकते हैं फिफ्थ मेंबर एज अ फिफ्थ मेंबर उनको नॉमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर नॉमिनेट वर्ड है अब इसके साथ यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट देखें जो परमानेंट एक सेक्रेट्रियट होगा जो ये कमेटी है ये कमेटी का एक परमानेंट सेक्रेट्रियट होगा ये शैल है ये होगा तो यहाँ पे इसमें जो है क्या होगा इसका कंपोजिशन में क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और हाई कोर्ट के जजेस होंगे तो ये कंसल्टेशन के लिए होगा अदर मेंबर्स जो है परमानेंट कमेटी के वो इनसे कंसल्टे कंसल्टेशन कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे ये यह जो सारी एप्लीकेशंस है रिटर्न प्रपोजल्स जो सब कुछ है तो ये सभी जो है वो जजेस क्या करेंगे सबमिट करेंगे सेक्रेट्रिएट को अब इसके साथ ही यहाँ पे जब ये सेक्रेट्रिएट को सबमिट होगा तो इसमें यहाँ पर जो एप्लीकेशनस प्रपोजल हैं जो ऑनरेब उन्रेप, जो ऑनरेबल जजेस के थ्रू आए हैं उन सभी को देखा जाएगा और यहाँ पर जो इसको सोर्स है ये जो सोर्स जिससे भी आ रहे हैं जो डाटा वो आ रहा है कलेक्ट किया जा रहा है सेक्रेटरीएट का और ये किसके थ्रू डिसाइड होगा जो सेक्रेटरीएट के पास डाटा जा रहा है वो सभी डिसाइड करेगी हमारी परमानेंट कमेटी इसके बाद नेक्स्ट ये सभी हम गाइडलाइंस कर रहे हैं जो अभी फिफ्थ गाइडलाइन क्या है कि जो प्रपोजल ऑफ डेजिग्नेशन है वो पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके रिगार्डिंग है कि अगर इनवाइटिंग सजेशंस जो है उसको इनवाइट करना होगा कोई भी व्यू है तो वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो क्या होगा यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा और जो सेक्रेटरीट है ये केसेस क्या करेगी परमानेंट कमेटी के सामने रखेगी स्क्रीटनी के लिए अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि परमानेंट कमेटी जो है वो हर केस में जज एडवोकेट को ओवरऑल यहाँ पे असेसमेंट के तौर पे उनको मार्क्स देगी और किस तरह से वो एग्जामिन करेगी कि किस तरह से हमें एडवोकेट को देखना है कि वो सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं सेवन के सब पॉइंट्स हैं सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उसने प्रैक्टिस कितने टाइम की है एडवोकेट ने अगर किसी एडवोकेट ने दस से बीस साल तक बीस साल तक प्रैक्टिस की है तो यहाँ पर उसको टेन पॉइंट्स मिलेंगे और अगर उनकी प्रैक्टिस जो है वो मोर देन ट्वेंटी ईयर्स है ठीक है तो मोर देन ट्वेंटी इयर्स है तो उनको ट्वेंटी पॉइंट्स मिलेंगे अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड में कोई जजमेंट उनकी रिपोर्टेड है अनरिपोर्टेड है उनका जो वर्क है बोनाफाइड वर्क है या कोई डोमेन एक्सपर्टाइज है यहाँ पे जो भी उनके सभी वर्क को देखकर जो उन्होंने जजमेंट दी है उसके बेसिस पर उन्हें फोर्टी फोर्टी मार्क्स में से उन्हें फोर्टी पॉइंट्स में से पॉइंट्स दिए जाएंगे इसके बाद यहाँ पर जो उनका पब्लिकेशन वर्ड है पब्लिकेशंस एप्लीकेंट एडवोकेट उनको फिफ्टीन पॉइंट देख में देखा जाएगा और जो फोर्थ टेस्ट है वो उनका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा तो ये टोटल हंड्रेड मार्क्स का एक तरह से असेसमेंट है इसमें ये जो कमेटी है ये इनको देखेगी और उनको मार्क्स देगी इसके बाद यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस है जैसे कि जो सभी नेम्स हैं ठीक है जो लिस्ट किए गए हैं परमानेंट कमेटी के सामने और जिन्हें परमानेंट कमेटी देखेगी वो सभी कोर्ट में जाएंगे अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट विल नॉट नॉर्मली बी रिजॉर्टेड टू बाई फुल कोर्ट एक्सेप्ट कौन से केसेज में एक्सेप्ट एंड अनअवॉडेबल यहाँ पर अगर अनअवॉइडेबल नहीं है तो यहाँ पर जो सिक्रेट बैलेटेक के थ्रू वोटिंग है तो ये नॉर्मली नहीं होगी और इसमें जो क्या है मेजॉरिटी देखी जाएगी जो भी वोटिंग आ रही है और इसके बाद यहाँ पर ये यह जो पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर ये मैंशन है ऑल केसेज देट है देट हैव नोट बिन फेवरेबली कंसिडर्ड बाय द By द फुल कोर्ट मे बी reviewed, रिकन्सिडर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स तो यहाँ पर जो सारे केसेज हैं वो दो साल के बाद दो साल का यहाँ पर एक लिमिटेशन पीरियड दिया है अगर दो साल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी आ, उसको रिव्यू या रिकन्सिडर नहीं किया जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस किसी इन द इन द इवेंट अगर कोई सीनियर एडवोकेट जो है वो किसी कंडक्ट के थ्रू गिल्टी पाया जाता है फुल कोर्ट की उसमें देखा जाएगा तो यहाँ पे ऐसे में क्या होगा वो जो सीनियर एडवोकेट का यहाँ पे जो उनके एक तरह से डेजिग्नेशन है वो उनसे वापस भी ली जा सकती है तो अभी ये जो सभी पॉइंट्स हमने देखे इन सभी पॉइंट के बेसिस पे कोर्ट ने गाइडलाइंस देने के साथ साथ ये कहा कि जो सीनियर एडवोकेट है सीनियर एडवोकेट की जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे टाइटल नहीं है तो इसीलिए पूरी तरह से वैलिड है और ये आर्बिट्रेरी नहीं है और सेकेंड थिंग यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो गाइडलाइंस हम इस केस में देख रहे हैं इंदिरा जयसिंह की जो रिट पिटिशन में है तो यहाँ पे इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं ये सभी गाइडलाइंस जो हैं एग्जॉस्टिव नहीं हैं और टाइम टू टाइम ये किसी जजमेंट के थ्रू तो किसी भी तरह से इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं इनको अपडेट किया जा सकता है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू